स्टार्ट। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक कैरेट का जर्नी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सो हमारे शिप पे ये कैरेट है, टैंकर पे, तो देखते हैं इसका क्या मतलब रिएक्शन है। हाँ, तो निखिल बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम निखिल है और 12th मैंने अपने होम टाउन से करी है, जो कि हरियाणा में रेवाड़ी है। बेसिकली 12th के बाद से यहाँ तक की मेरी जर्नी यही रही है कि 12th के टाइम पे मैं दो चीज़ों में से एक करना चाहता था, या तो NDA या फिर सेकंड ऑप्शन मैंने मर्चेंट नेवी रखा हुआ था। तो NDA में मैंने रिटर्न दिया, तो पहला रिटर्न तो क्लियर नहीं हुआ था, जो कि मैंने 12th अपेयरिंग में दिया था। 12th अपेयरिंग में रिटर्न दे सकते हैं NDA का, मतलब 11th के एंड में दे सकते हैं, जो आपको पता होगा। उसके बाद 12th जब ख़त्म होती है तब 1 अप्रैल में एक अटैम्प्ट होता है, वो मैंने दिया तो वो क्लियर हो गया था। उसके बाद होता है सेकंड स्टेप SSB का, वो भी आपको पता होगा। तो SSB के लिए 5 डेज का वो होता है, टेस्टिंग होती है, उसके लिए मैं गया नहीं था किसी रीज़न से। उसके बाद फिर मैं मर्चेंट नेवी के लिए सोचा मैंने, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप यही है मर्चेंट नेवी का, आपको कॉलेज ढूंढना है, जो मैंने किया वो बता रहा हूँ। कॉलेज ढूंढना है आपको इंडिया में, जो आपके घर के पास है या जहाँ आप जाना चाहें। उसके बाद आप कंपनी के लिए सोचते हो कि मेरे को उस कंपनी में जाना है। मर्चेंट नेवी के लिए बहुत सारी कंपनी हैं, टॉप कंपनी जैसे सीनर्जी, फ्लीट और जो भी कंपनी, एंग्लो ईस्टर्न वगैरह। तो एंग्लो ईस्टर्न का तो सीन अलग है, वो खुद का कॉलेज है उनका। बाकी तो उसके बाद कंपनी होती है, और फिर बेसिकली ये दो स्टेप के बाद एक होता है क्राइटेरिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का होता है, वो होता है IMU एग्ज़ाम। तो उसका एग्ज़ाम का नाम है CET, IMU CET। तो आप नेट पर डालें आपको मिल जाएगा, साल में 2 बार होता है। तो बेसिकली कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज का खुद का टेस्ट होता है, फिर कंपनीज आती हैं कॉलेज में, वो इंटरव्यू लेती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। वो इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद सबके बाद IMU के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपका IMU क्लियर है तो आपका कोर्स शुरू हो सकता है। अब बेसिकली मर्चेंट नेवी में आने के लिए 2 कोर्स हैं, एक है जो 1 ईयर बेसिस है, वो है DNS, डिप्लोमा है वो नॉटिकल साइंस में। दूसरा कोर्स है BSc नॉटिकल साइंस, तो BSc बेसिकली 3 साल का है, DNS 1 साल का है। उसके बाद भी क्राइटेरिया है कि DNS में आपको कैडेटशिप के 18 मंथ्स करने हैं और BSc में 12 मंथ्स करने हैं। तो इट्स अप टू यू, आप क्या चूज करते हो। फिर बस इतना हुआ, फिर मैंने DNS किया 1 साल का। उसके बाद कंपनी ने मेरे को चढ़ा दिया शिप पे, मतलब हम तो ऐसे ही बोलते हैं चढ़ा दिया, वैसे ज्वाइनिंग बोलते हैं। तो शिप पे ज्वाइनिंग हो गई। फिर उसके बाद तो ये 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम आपका कब कम्प्लीट हुआ? नहीं, मेरा सर ये कम्प्लीट, वैसे मेरे टाइम पे कोविड आ गया था, तो मेरा शुरू हुआ था ये अगस्त 2019 में। ओके, तो जून 2020 को ख़त्म होना था, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि कोविड आ गया था जून से थोड़ा पहले, 2-3 महीने पहले। तो हमें घर भेज दिया था, फिर हमारे एग्ज़ाम डिले हुए थे, तो हमारे फाइनली एग्ज़ाम जाके हुए नवंबर 2020 में। ओके, उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद प्रैक्टिकल हुए हमारे दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी में थोड़ा पेपर वर्क, ऑफिस वर्क, वो क्या बोलते हैं, डिग्री और US वीज़ा, इन सब के लिए लगा। फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, ये सब के बाद मेरी ज्वाइनिंग शिफ्ट हुई है 12 जून को। तो बेसिकली आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम इन योर कॉलेज नेम इज इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं और आपका अगर 10-12 में अच्छा मार्क्स है, तो आपको इनिशियली कंपनी मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप कर देती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपको वैसल काफी जल्दी मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो काफी स्ट्रगल करते हैं इनिशियली, बट ये मतलब अच्छा रहा है इनके साथ, जो कि इनको वैसल काफी जल्दी मिल गई। सो एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू सेलेक्ट एंकर वैसल? सर एक्चुअली जो द रियल ट्रूथ इज इन कैडेट सी वी कैन नॉट पर्सनली गिव अ चॉइस ऑन विच वेसल वी वांट टू जॉइन। यू कैन गिव, बट बीइंग ऑनेस्ट इट डजंट मैटर। सो दे विल गिव यू द शिप एट द टाइम ऑफ योर रेडीनेस, विच एवर शिप इज गुड फॉर योर स्लॉट, वो आपको बुक कर देते हैं, आपके लाइन अप कर देते हैं। और शिप तो कैडेट शिप में तो कोई ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि एक ही शिप करना है, क्योंकि जितने अलग शिप होंगे बेटर है आपके लिए। उसके बाद आप बाद में स्विच कर सकते हो, कंपनी बोल सकते हो मेरा इसमें इंटरेस्ट है, उसके लिए जो स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं वो करके आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई बोल। तो निखिल आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मतलब कैरियर को लेके क्या मतलब है, मतलब आगे आने वाले समय में आपको आपका क्रिस्टल क्लियर है विजन की, मतलब आगे क्या करना है आपको? वैसे तो सर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही, तो कभी भी चेंज हो सकता है।
तो अभी करेंटली तो यही प्लान है कि थोड़ा सेलिंग करके और प्रमोशन लेके कैप्टन बनना है जल्दी से जल्दी बस। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि मतलब कैसे क्या होता है। अभी आपने पहले कॉलेज का पढ़ाई खत्म किया, उसके फिर आपने शिप पे बोर्ड हुए, तो फिर ये प्रोसेस क्या है, आखिर इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, क्या है इसका मतलब, जो एक हायरार्की बना हुआ है हमारे फील्ड में वो क्या है? बेसिकली जब आप पढ़ते हो तो आपको पता नहीं रहता है, सेलिंग का जो है वो अलग है एकदम, आपको लगेगा कि मैं फटाफट सेल करके और ये कर दूंगा, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिससे आपका डिले भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हायरार्की बना हुआ है, मुझे इसके बाद यही करना है, उसके बाद यही करना है। तो वो एक फ्लो के साथ होता है। जैसे अभी मेरी एज 19 है, तो जब आप अगर मेरी एज में, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, मेरी एज में अगर आप जॉब लगते हो तो आपके परिवार और उसके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो सब थोड़ा ऐसे खुश होते हैं कि हाँ ठीक है लड़का चला गया। पर जो बीतती है वो आप पे बीतती है कि इतनी मतलब यंग एज में आप घर से दूर हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर तो जाना ही है, छुट्टी मनानी है। तो अभी आई एम येट टू साइन ऑफ, मतलब मेरा तो पहला शिफ्ट है, तो मेरे लिए तो हायरार्की यही है कि अभी एग्जाम्स के बाद शिफ्ट के बाद फिर से एग्जाम। वो तो एक बार आप मर्चेंट में आओगे आपको सब पता चल जाएगा, उसके लिए इतना जानने की जरूरत नहीं है। हर रैंक के लिए एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली अगर आप ऑफिसर साइड पे आना चाहते हो तो हर रैंक के लिए एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर नॉर्मल अगर आप पढ़ रहे हो तो हो जाते हैं। तो अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप कैडेट को देख रहे हैं, ये आपको मतलब अब इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ, और जो वीडियो बना रहे हैं वो थर्ड ऑफिसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग रैंक आपको दिखे, तो और भी रैंक होते हैं शिप पे, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, जो टॉप मोस्ट रैंक है कैडेट डेक डिपार्टमेंट का। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस और सब कुछ शेयर करें, क्योंकि इसका ये फर्स्ट शिप है और अभी ज्यादा एक्सपीरियंस इसका हुआ नहीं है, एक ही शिप का इसका एक्सपीरियंस है। तो अभी जब मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊंगा, एडिशनल थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर, मैं खुद का चीफ ऑफिसर और कैप्टन, तो आप लोग ज्यादा जानिएगा मर्चेंट नेवी के बारे में और कितना इंटरेस्टिंग है ये फील्ड या फिर कितना पेनफुल है वो सब आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।